नमस्कार, आप देख रहे तहलका न्यूज। गांव के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार, मेरा बेटा अपराधी नहीं, पुलिस मेरे बेटे को फंसा रही है। पत्नी और पिता पहुंचे डीएम के दरबार में। जी हां, चर्चित लेखपाल धीरेंद्र सिंह के हत्याकांड में नसोपुर के गांव के प्रधान व उसके भाई को 4 दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में नसोपुर के गांव के लोगों ने आकर मऊ डीएम से लगाई है गुहार, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मऊ कलेक्ट्रेट का। बताते चलें आपको कि गत दिनों लेखपाल धीरेंद्र सिंह को घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस इस बेस पे काम कर रही थी, कई थ्योरी पे काम कर रही थी, जिसमें गांव के प्रधान, नसोपुर के गांव के प्रधान व कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल मामले को पर्दाफाश कर गांव के प्रधान के भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गांव के प्रधान को अभी भी पूछताछ कर रही है। हमारा नाम बाबूराम। क्या है आपके लड़के के साथ क्या हुआ? हमारे लड़के के साथ एकदम हरकत भइल है साहब। लड़का ना हमर चोर है ना बदमाश, ओकरी साथ खाली जो ना हरकत भइल है और कोनो कारण इतना जनता है जो नौकरी पीछे ओकरी संगे खाली हर घर न्याय भइल है। तो प्रधान जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या किए हैं? हाँ, एकदम आरोप लगा गए। तो धीरज से मिले वाले नहीं है, कोई समस्या वस्या लेके नहीं गए हैं क्या? प्रधान जी कोई समस्या लेके गए थे क्या लेखपाल से मिलने वाले? नहीं, कुछ नहीं। वो समय तो उनका कहला कि वो बहुत दूर रहा गांव घर से। अच्छा, 8 बजे राती का उनको उठा के ले आये उधर सियान में। हम ट्यूबवेल पर आये, ट्यूबवेल पर हमारे गल ला और वहाँ से घर होते दोनों भाई रहना, दूर झड़क उठा लिया दोनों भाई लोग। हाँ, दोनों भाई के ले लिया। कोई इसमें निर्दोष है? एकदम दोनों निर्दोष हम। पुलिस क्या करके इनको बुला के लेके आई? पुलिस यहाँ का कहला कि 2-3 दिन जो है खाली आशा दे के छूट जाएंगे, जांच बुझो तो छूट जाएंगे। आज जोन बा एक भाई के जेल भेजा था लोग, जो छोटा छोटा भाई है प्रधान, बड़ा भाई है, बड़ा भाई प्रधान है और छोटा भाई के जो है ये केस लाद के करीब बातों के भेज थोलो, जैसे हमारे खिलाफ आदमी के बा ऐसे बा ऐसे बा ओके हाथ दिखा के 3 दिन से उनको मेरा रूना चिन्ह तेज काल चिन्ह गई कि ये इतना जनता है का काला को करी पीछे। बतावा मर्डर के केस में फंसाया गया है? उस केस में नहीं थे उनका हाथ, कोई नहीं था, वो घर पे थे, खाना खा रहे थे, पकड़ लेके चले गए। लेखपाल से पता चला? लेखपाल साहब से मिले भी थे वो आपके पति? कभी नहीं मिले? हमको नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, पता नहीं। आपके पति को फंसाया गया है? पुलिस फंसा रही है? आपके पति निर्दोष है? मेरे पति निर्दोष है। कौन फंसा रहे हैं? लेखपाल के लोग फंसा रहे हैं कि पुलिस फंसा रही है? पुलिस फंसा रही होगी, अब हम लोगों को क्या पता कि कौन फंसाया गया आपके? और घर पर खाना खाते हैं लोग, पुलिस गए उठा के चले गए। क्या पुलिस का उठाई थी? कि पुलिस साहब बोला था पूछताछ करके तब से लोग छोड़ा लगा। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज सबसे ज्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।